नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात के ताज़ातरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने एक खुसूसी मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहा हूँ। लोकसभा इंतखाबात 2024 के अभी आखिरी मरहले जारी हैं, कुछ ही दिन बाकी है, फिर नतीजे का इंतज़ार होगा हम लोगों को। इसके दरमियान में अहम अहम तरीन मुद्दे सामने आते हैं और मैंने कई मुद्दों पर रोशनी भी डाली थी। इन मुद्दों में एक अहम तरीन मुद्दा था, क्या बीजेपी और आरएसएस में दूरियां पैदा हो रही हैं। अलग अलग बयानात हमारे प्राइम टाइम में मैंने जेपी नड्डा के बयान के हवाले से भी एक मजमून का खुलासा पेश किया था। इसी के हवाले से एक मजमून शाये हुआ है आशुतोष भारद्वाज का, उन्होंने भी इस सिलसिले में बहुत ही तफसीली गुफ्तगू करने की कोशिश की है। मुताला कर रहा था तो सोचा कि आप लोगों के सामने भी वो तफसीलात रखूं, और इस तरह की तफसीलात सामने आनी चाहिए। उन्होंने लिखा है कि सितंबर 2017 में राष्ट्रीय सेवम सेवक संघ ने यानी आरएसएस ने अपने तकरीबन 40 मुआविन तंजीमों के साथ वृंदावन में एक राबिता मीटिंग का एहतमाम किया था। सरसंघ चालक मोहन भागवत और उस वक्त के सरकार सरकारिया वाह भैया जी जोशी स्टेज पर थे। मनमोहन वेद, दत्तात्रेय होसबड़े, नरेंद्र कुमार और कृष्ण गोपाल जैसे सीनियर प्रचारक पहली सफ में बैठे थे। मीटिंग के दौरान इन तंजीमों ने मुख्तलिफ उमूर पर राय रखी थी। केरला के सीनियर प्रचारक जय नंद कुमार ने अपनी रियासत में फैलने वाले तशद्दुद पर बात की थी, और जम्मू कश्मीर पर मरकूज एक मुतालाती मरकज से वाबस्ता अरुण कुमार ने कश्मीर की सूरत हाल का तज्जिया किया था। दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी के उस वक्त के सदर और पार्टी में नंबर दो की पोजीशन पर फाइज अमित शाह 8वें या 9वें कतार यानी ऑडिटोरियम की आखिरी सफ में बैठे थे। अमित शाह ने संघ लीडरों के सामने मौजूदा इख्तिसादी सूरत हाल पर मोदी हुकूमत का नजरिया पेश किया था। इस मंजरनामे का मुवाजना 2024 से करें। वोटिंग के 5वें मरहले से एक दिन पहले बीजेपी सदर जेपी नड्डा एक इंटरव्यू में आरएसएस के बारे में अपने पार्टी की पोजीशन की वजाहत करते हुए कहते हैं, शुरू में हम माजूर होंगे, थोड़ा कम होंगे, आरएसएस की जरूरत थी, आज हम बढ़ गए हैं, अहल हैं, तो बीजेपी अपने आप को चलाती है। इन दो मिसालों के पेश नजर पिछले कुछ सालों में बीजेपी और संघ के ताल्लुकात में आई तब्दीलियों को समझा जा सकता है। मजमून निगार ने लिखा है कि पिछले हफ्ते मैंने लिखा था कि मगरबी उत्तर प्रदेश के स्वयं सेवक संघ बीजेपी से नाराज है। यह न सिर्फ मौजूदा इंतखाबात को 2014-2019 के इंतखाबात से मुख्तलिफ बनाता है, बल्कि बीजेपी को नुकसान भी पहुंचा सकता है। संघ के अपनी सियासी विंग बीजेपी पंचजन्या ने कभी बीजेपी का इसी तरह जिक्र किया था, से शिकायतों की कहानियां पुरानी हैं। सेवम सेवक कई बार बीजेपी हुकूमतों के खिलाफ खुलकर सामने आए हैं। उनकी इत्तेहादी तंजीमों ने ज़राअत और मईशत जैसे इश्यूज पर मुख्तलिफ मौक़िफ़ अपनाए हैं। जब अटल बिहारी वाजपेयी वज़ीर आज़म थे तो बीजेपी और आरएसएस के ताल्लुकात अक्सर कशीदा रहते थे। एनडीए हुकूमत की पॉलिसियों की मुखालिफत करते हुए सीनियर प्रचारक दत्तू पंत ठेंगड़ी ने दिल्ली में भी एहतजाज मुजाहरा किया था। लेकिन वाजपेयी नरेंद्र मोदी के दौर में एक बुनियादी फ़क्र है। ये उस किस्से की रोशनी में समझा जा सकता है जो एक सीनियर सेवक संघ अब वो संघ के सरकर्दा रहनुमाओं में से एक है ने मुझे अपने घर पर रसीले आम और पराठे से मुजयन नाश्ते के मेज पर सुनाया था, जब आरएसएस एनडीए हुकूमत से नाराज रहा करती थी। एक करीबी शख्स ने वाजपेयी को बताया कि आरएसएस ने बीजेपी के मुतवाजी एक नई पार्टी बनाने के लिए बातचीत शुरू कर दी है। ये सफेद झूठ हो सकता है। इस शख्स ने वजीर आजम को हरासा करने या उनका रद्दअमल जानने के लिए किस्सा गढ़ा हो, लेकिन वाजपेयी का मुस्कुराता हुआ जवाब इंतहाई अहम था, ठीक है हम उस पार्टी में चले जाएंगे। इस वाक़े को दो दहाइयां गुजर चुकी हैं,
आज हिंदुस्तानी सियासत का एक नौखेज तालिब इल्म भी वज़ीर आज़म मोदी के रद्द अमल का अंदाज़ा लगा सकता है कि अगर उन्हें पता चले कि संघ बीजेपी से नाराज़ है, वो क्या चीज़ है जो मोदी को बीजेपी के दीगर आला लीडरों से मुमताज़ करती है। पहला, बीजेपी की जबरदस्त जीत। पार्टी ने 2019 में 3 लाख से ज़्यादा वोटों के फर्क से 105 सीटें जीते थी और 2014 के मुकाबले में 63 ज्यादा। अब हम इन सीटों को देखते हैं जहां इस बार संघ के सेवम सेवक, यहां तक कि बीजेपी के कुछ मेंबरान भी गैर मुतमईन नजर आ रहे हैं। मिसाल के तौर पर फतेहपुर सीकरी, गाजियाबाद, अगर इन नाराज कारकुनों ने फतेहपुर सीकरी से मकामी एमपी राजकुमार चाहर की उम्मीदवारी की मुखालिफत की थी तो गाजियाबाद के एमपी जनरल वीके सिंह का टिकट कटने से भी नाखुश थे। लेकिन गौर करें कि 2019 में बीजेपी ने फतेहपुर सीकरी को 4.9 लाख वोटों के फर्क से और गाजियाबाद को 5 लाख से ज्यादा वोटों से जीता था। क्या कारकुनों की नाराजगी इतनी बड़ी खलीज को पाट कर मोदी को नुकसान पहुंचा सकती है? इस तनाजर में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे बीजेपी के किलों से दूर किसी और जगह की मिसाल लें। इस सोमवार 20 मई की दोपहर शिमला के सरकारी डेंटल कॉलेज में मरीजों की कतार लगी थी। जैसे कतार थोड़ी सी आहिस्तगी से आगे बढ़ने लगी, वैसे एक उधेड़ उम्र की लाहौली खातून ने काउंटर पर बैठे क्लर्क से कदर ऊंचे आवाज में कहा, इनका फोटो खींचो, मोदी जी को भेजो, मोदी जी को पता चले कि यहाँ क्या हो रहा है। उनके पीछे खड़ी एक और खातून मरीजा ने इत्तेफाक किया, फौरन लो और भेजना चाहिए। इंतहाई कम आबादी वाला लाहौल हिमालय की ऊंची पहाड़ियों में वाक़ है। आमतौर पर यहाँ खुशहाल लोग रहते हैं जिनमें अक्सर बुद्धमत के पैरोकार हैं। लाहौल के मकामी एमपी कांग्रेसी हैं, रियासत में हुकूमत भी कांग्रेस है। इसके बावजूद खातून इस यकीन के साथ जिंदगी गुजार रही है कि उनका वजीर आजम से सीधा ताल्लुक है। ये यकीन कि मोदी जी को एक व्हाट्सएप पैगाम सरकारी अस्पताल के कतार को दुरुस्त कर देगा। जाहिर है कि जज्बात बेतहाशा प्रोपेगेंडे के जरिए पैदा किए गए हैं, जिसके फैलाव में रीढ़ की हड्डी से आ रही मीडिया ने गहरा किरदार अदा किया है। लेकिन यह भी सच है कि लातादाद शहरी यकीन के साथ रहते हैं और वजीर आजम के साथ अपने ताल्लुक को बहुत गहराई से महसूस करते हैं। संघ के बीजेपी से कितनी ही नाराजगी क्यों ना हो, मरकजी हुकूमत ने उसे नशोनुमा के लिए जो जगह दी है उसे कोई सेवम सेवक मुंह नहीं मोड़ सकता। बीजेपी अक्सर पिछले 10 सालों में अपनी तौसी की बात करती है, लेकिन जरा संघ के आदाद व शुमार देखिए। संघ को साल 2013 में रुकनियत के लिए 28,424 ऑनलाइन दरखास्तें मौसूल हुई थी। 2014 में मोदी की जीत के फौरन बाद इन दरखास्तों में अचानक कई गुना इजाफा हुआ और इस साल 97,047 दरखास्तें मौसूल हुई। उसके बाद 2015 में 81,620 और 2016 में 84,941 दरखास्तें मौसूल हुई थी जो रुकनियत हासिल करने के लिए आरएसएस की जमा की गई थी। और इस सब का सब जो है पीएम मोदी को जाता है सहरा, ये कहा जाता है। जैसे जैसे सेवम सेवकों की तादाद बढ़ी उसकी शाखाएं भी बढ़ती गई। साल 2015 और 16 में संघ ने 1925 में अपने क्याम के बाद से सबसे ज़्यादा तरक्की रिकॉर्ड की थी, जब इस साल मुल्क भर में 3,644 नए मकामात पर 5,527 नई शाखाएं कायम की गई। ये तौसी सिर्फ उसके अराकिन और शाखाओं तक महदूद नहीं, तमाम सेवम सेवकों और प्रचारकों को यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से लेकर गवर्नर तक के बड़े ओहदे दिए गए। इसके अलावा संघ को तालीम निसाब में तब्दीली और अकलियतों के तई मुल्क का रवैया तय करने का भी कहीं खुलकर मौका मिला। इसी साल उत्तर प्रदेश हुकूमत के एक वजीर ने उस नुमाइंदे को बताया था कि उनके दफ्तर में क्लर्क भी अक्सर संघ परिवार की तरफ से भेजे जाते हैं। क्या सेवम सेवक इस सामाजिक कबूलियत को नजरअंदाज कर पाएंगे जो उन्हें मोदी हुकूमत की वजह से मिली? क्या नाराज सेवम सेवक अपने प्रचारक वजीर आजम से दूरी बना पाएंगे या आखिरकार वो सुलह कर लेंगे? सोचते हुए 2025 में अपने 7 साल में इख्तदार से बाहर होने का खतरा मोल लेना दानिशमंदी नहीं होगी। बहरहाल इसका जवाब सिर्फ 15 दिन के फासले पर है, तभी मिल सकता है। तो नाज़रीन गिरामी, किस तरह से जो है बीजेपी को आरएसएस से फ़ायदा हुआ और आरएसएस को बिलखसूस मोदी से किस तरह फ़ायदा हुआ, उसकी सारी तफसलत इस मज़मून में आशुतोष ने पेश करने की कोशिश की है। बहकैफ नाज़रीन गिरामी, मुझे इजाज़त दें, फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुह। बच पाता है कोई सहाफी की निगाहों से,
मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात। अजीमत जुर्अत हिम्मत का है इजहार सीधी बात। अजीमत जुर्अत हिम्मत का है इजहार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को।